दोस्तों स्पेडर मैच कवर करने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो कि मैच खेला जाएगा, कर्नाटक और सिक्किम के बीच का मैच खेला जाएगा, जो कि काफ़ी सा इंटरेस्टिंग मैच है। आप देखोगे तो एक टाइम पे एक मैच है तो ठीक मुझे मैच लग रहा है, क्योंकि उस समय इस चीज़ का और कोई मैच नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे मैचेस रहते हैं, और मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो T10 मैचेस है ना, उससे लाख गुना बेटर मैच ये वाला है जो आप खेल रहे हो। ये ज़्यादा बेटर मैच है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, कर्नाटक और सिक्किम के बीच है ना। ठीक मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, जितना जल्दी हो सकता है टेलीग्राम चैट ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे मैचेस की टीम और कोई प्रोवाइड करेगा नहीं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग टेलीग्राम चैट पे एक्टिव रहो, क्योंकि फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैट यूज़ से ज्वाइन कर लेना, जस्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, पहले वाले लिंक पर क्लिक करना हो फाइनल टीम और क्लब के लिए टेलीग्राम चैट यूज़ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बस फेक नहीं, रियल ज्वाइन कर, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करना, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, टेलीग्राम सर आपके ओपन हो जाएगा, फिर जर्मन ड्रामा का ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले दे देते हैं। और सब्सक्राइब अभी करके रख लेना, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी उसे कर लेना अभी। देखो इंपॉर्टेंट चेक कवर अप करेंगे, क्योंकि ये मैच इंदौर में खेला जाएगा, और इंदौर के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये ग्राउंड यूज़ किया जाएगा इंदौर, और इंदौर में इतना ठंड तो नहीं हो सकता है, 13 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, जबकि अपन के पास मतलब अपने पास भी लगभग 19-20 तो होगा ही, 28 है मेरे यहाँ देखो, तो 13 डिग्री कौन मतलब कितने लोग इंदौर से वीडियो देख रहा है मुझे जूस बताया, यहाँ पे 13 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे, पता नहीं क्यों 13-14 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, तो फिर तो बहुत कम है यार। कितने लोग इंदौर से जूस बताना, मतलब वेदर टेम्परेचर जूस बताना। उसके अलावा ये मैच कर्नाटक ने लास्ट 5 में से एक ही मैच वोन किया, उन्होंने सिक्किम ने तो एक भी मैच वोन नहीं किए। पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो ये जो इंदौर का ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बारे में आप जान लो, ये जो इंदौर का ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा, लास्ट 20 मैचेस के अगर आप एवरेज निकालोगे, लास्ट 20 मैचेस जो कि इस ग्राउंड पे खेले गए थे, 154 का एवरेज निकल गया था। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि 154 कैसे स्कोर होता है, उस हिसाब से कैसा बैटिंग फ्रेंड या फिर बॉलिंग फ्रेंड लेता है, यहाँ पे आपको 50-50 दिखा रहे हैं कि पिच 50-50 है, पिच न्यूट्रल ग्राउंड इसका मतलब, ठीक है, 50-50 मतलब न्यूट्रल ग्राउंड है, लेकिन एक्चुअल 154 बन रहा है, तो पिच कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ये आप समझ के चलिए। तो आपके लिए हो सकता है पिच थोड़ा सा बैटर्स के लिए ज़्यादा एडवांटेज हो बॉलर्स के कंपेरिजन में। और पेसर्स ने इस वीक ग्राउंड पे 75% का बॉल वेल्थ ऑपरेटिंग है, जो मेन पेसर्स है जो उसे पिक करना है, जिस प्लेयर्स को बोल सकते हो आप पेसर्स को परफेक्ट कर सकते हो, तो पेसर्स को जो उसे पिक कीजिएगा। 154 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में आपको 154 के आसपास के स्कोर आराम से देखने को मिल जाएगा 150-160। तो उसके लिए कर्नाटक की हम बात करें लाइनअप से, तो देखोगे केएल सुजय जो कि टीम दस से अवेलेबल है, टीम दस श्रीजित विकेट कीपिंग करेंगे, एल आर चेतन जो कि अवेलेबल टीम दस है, दोनों विकेट कीपर ही पेसेस से, मयंक अग्रवाल कैप्टनसी करेंगे, वर्णा बैटिंग करेंगे, श्रीजित विकेट कीपिंग करेंगे और कैप्टनसी मयंक अग्रवाल करेंगे। अभिनव मनोहर अवेलेबल है, हेगड़े अवेलेबल है, उसके अलावा देखोगे टीम दस से एम मंगड़े अवेलेबल है, उसके अलावा विजय कुमार जो कि जद्दा थे बॉलिंग करते, समरन अवेलेबल है, उसके अलावा देखोगे टीम दस से मनवरनाथ कुमार अवेलेबल टीम दस है, उसके अलावा सेज गोपाल भी अवेलेबल है, विद्याधर पटेल अवेलेबल, ठीक है, विद्याधर पटेल अवेलेबल है, विद्याधर पटेल अवेलेबल है, और कोई बड़ा प्लेयर कोई खास मयंक अग्रवाल वगैरह है, अभिनव मनोहर है, चेतन है, श्रीजीत है, ठीक है, अभिनव मनोहर है, विजय कुमार है, ठीक है, इनके लाइनअप से। अगर हम बात करें सिक्किम की तो यहाँ पे देखोगे ओपनिंग हालांकि थोड़ी सी वीक टीम है, थोड़ी क्या बहुत वीक टीम हो सकती है, फिर भी लमी चेनी टीम तक ओपनिंग करेंगे, एंड लमी चेनी अवेलेबल है, मोहम्मद सपूतुल्लाह के साथ पंकज कुमार रावत वर्णा बैटिंग करेंगे, पी तमंग जो कि आप कैप्टन भी कर सकते हो, टीम से कैप्टनसी करेंगे, इनफॉर्म प्लेयर है, आशीष थापा अवेलेबल विकेट कीपिंग, अंकुर मलिक है, अरुण छेत्री है, परथ पलावत है, अनवेश शर्मा अवेलेबल है, तरुण शर्मा अवेलेबल है, भीम लुटिल अवेलेबल है, तो ठीक है। इनके लाइनअप देखोगे तो परनेस जो कि टीम से बेंच पे रहेंगे, ली योंग भी बेंच पे रहेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते इन सब चीज़ों पर। बाकी जो अपडेट्स हैं टीलियाँ पे शेयर, तो टीलियाँ पे जूस एक्टिव रहेंगे, जैसे टीम हम देंगे कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, देखो कोई प्रोवाइड कर देता है इसे टीम, कोई विनिंग टीम, कोई सबसे पहले टीम देता है, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट पहले आपको टीम मिलता, भाई बहुत पहले टीम मिलता है। तो टीलियाँ हम से जाएंगे, और एक बार ज्वाइन कर लो, आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे, सब्सक्राइब इसलिए बोलता करके रख लिया करो। खैर अभी देखोगे तो वीडियो भी अपलोड करना है मुझे, अब मुझे बताना है कि उसके बाद मतलब कि कौन सा मुझे मैच कवर करने का मन है यार, गुजरात और तमिलनाडु का, बट देख लो उसी टाइम पे WBBL है ना, इसलिए इसका रिस्पांस नहीं आएगा इस वीडियो में, इसलिए मैं नहीं कवर कर रहा, मैं कवर करता जू से। कितने लोग चाह रहे हो कि मैं ये वाला मैच कवर करूं, ठीक है, जू से बताना, US का, ठीक है, US प्रीमियर लीग, अभी तक मैंने एक भी मैच नहीं कवर करा, आप लोग बोलोगे तो जू से कवर करूँगा, वही मैच मुझे सही लग रहा है।
इस बात कर विकेट कीपर से, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर सेट कराने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब भी उसे कर लेना। बात कर विकेट कीपर से, मैं बहुत लॉजिकली के लिए टीम क्रिएट कर चाहूँगा, फालतू का टाइम पास वगैरह बिल्कुल ही, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो केसरी जीत विकेट कीपिंग करेंगे, एलआर चतुर विकेट कीपिंग, तो विकेट कीपिंग एडवांटेज और इनफॉर्म प्ले के से, आप अगर TNPL वगैरह खेले होंगे तो आपको पता होगा इनके बारे में, एलआर चतुर भी काफ़ी अच्छा प्लेयर टीम से। तो अभी के लिए तुम्हें फिलहाल एक ही विकेट कीपर अगर सेकेंड पिक करना पड़ा तो एलआर चतुर सबसे बेस्ट पिक मानता हूँ। उसके लिए मयंक अग्रवाल इंपॉर्टेंट है टीम से। अभी देखो एक मिनट मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते, पहले बेंच प्लेयर्स का नाम देख लेना कि बेंच प्लेयर पर किसका नाम है। देखो मनीष पांडे का नाम बेंच पे, भाई इसलिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ बी कौशिक का नाम इतना याद रखिएगा, जो प्लेयर उसका नाम बेंच पे रहता है मैं धोखा वाला काम नहीं करता हूँ, जो प्लेयर बेंच पे है उसको मैं नहीं बोलता अभी पिक करो, आफ्टर टॉस पिक कर लेना अगर खेलेगा तो। अभिनव मनोहर पिक कर लेते हैं, समरान आर लोग पिक कर रहे हैं, बट रुको NHM वगैरह सब अच्छे पिक रहे, सकते ग्रेलिडियो पी रावत भी अवेलेबल इस बार, पी कुमार रावत लाइनअप से नाम था। फिलहाल मैं दो ही पिक करता हूँ जो कि दोनों ही बड़े प्लेयर हैं कर्नाटका के। उसके अलावा ए मलिक पिक्का के चलते सिक्किम का प्लेयर है, एम फांगडे भी ठीक है टीम से, पी तमंग कैप्टन से कर रहा है, मैं एक टीम से अच्छा पिक हो सकता है, प्लस टीम में से अच्छा इन्फॉर्म प्लेयर कैप्टन कर सकते बंदा है, मात्र 10 सिलेक्शन कौन देखता है भाई, अपना स्किल यूज़ करो और टीम क्रिएट किया करो, ठीक है अपना स्किल। और पी प्लावत ऐसे एगडे बॉलिंग अच्छा करता है, TNPL वाला प्लेयर ये सब पता है, TNPL खेलता जाता है, अच्छा प्लेयर। लास्ट तो कुछ ज़्यादा ही पिटाई हुआ है बंदे की, माइनस में चला गया था यार, मैं पिक करना प्रेफर करूँगा क्या सामने कमजोर टीम है, अगर एक ओवर ही बॉलिंग करेगा तो विकेट लेके भी जाना ही है। पी पलावत को भी पिक कर सकते हो, 5 प्लेयर पिक करें फिलहाल के लिए। विजय कुमार शेष गोपाल ये दोनों इंपॉर्टेंट पिक है, सामने कमजोर टीम है पक्का विकेट्स लेके। एम सफतुल्ला अवेलेबल है, वी कौशिक अवेलेबल नहीं है तो पिक नहीं करना। रोनित मोर अवेलेबल नहीं, नहीं होगा, रोनित मोर रहता तो मज़ा आ जाता, नहीं है नाम लाइन में तो मैं कैसे बोल दूँ कि अवेलेबल है, नाम ही नहीं लिया था मैंने। वी पाटिल का नाम मैंने लिया था, वी पाटिल है, वी पाटिल तो विद्याधर पाटिल अवेलेबल है भाई, लोग एम सपूतुल्ला के साथ जा रहे हैं टीम से, सपूतुल्ला पिक करो या फिर वी पाटिल, वी पाटिल अच्छा बॉलिंग करता है भाई, ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको, वी पाटिल के साथ जा रहा हूँ जो कि अच्छा पिक। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तीनों ही कर्नाटका के बॉलर ले लिए, आखिर ऐसा क्या देखा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप तीनों कर्नाटका के बॉलर लो, मैं वी पाटिल के ऊपर मेरा पर्सनल रिस्क है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है वी पाटिल के ऊपर तो मत लो मेरे भाई, आप वी पाटिल पे कोई और प्लेयर ट्राई कर सकते, लेकिन कह रहे हैं कि सामने कमजोर टीम है, विद्याधर पाटिल एक एक्सपीरियंस बंदे और टीम से विकेट मिल ही जाते हैं इस बंदे को, तो अगर चाहो तो विद्याधर पाटिल की जगह पे ट्राई कर सकते हो एम सफतुल्ला को, क्योंकि ठीक पिक है, दोनों एक एवरेज पिक है, मैं नहीं बोल रहा कि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हाँ थोड़ा सा विद्याधर पाटिल आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकता है, क्योंकि कुछ आप नया करके जाओगे तो उसमें भी विन कर सकते हो। वैसे ही पेसर्स के लिए स्पिनर्स में क्या बोला हूँ, स्पिनर्स के लिए इतना फायदेमंद ग्राउंड नहीं है, 25% ही सपोर्ट है, पेसर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वी कौशिक खेलेंगे तो जो उसे पिक कर लेना, रोनित और ये विद्याधर पाटिल कह रहा कि पेसर इसलिए पिक कर रहा हूँ। ओवरऑल टीम तो मुझे परफेक्ट नजर आ रही, एकदम परफेक्ट है। कैप्टन से बात करें तो देखो मयंक अग्रवाल ऐसे में जैसे तो चल जाता है, लेकिन जब मैं कैप्टन करूँगा तो ये बंदा 0 रन पे आउट हो जाएगा, इसलिए मेरे भरोसे मत रहना इस चीज़ के लिए। ए मलिक करोगे तो दिक्कत ये है ना कि ये सब स्पिनर सब है, उतना फ़ायदेमंद नहीं देगी इस ग्राउंड के लिए, आप चाहो तो इनको ट्राई करो भाई, ये श्रेयस गोपाल और ये विजय कुमार, ये दो जबरदस्त ऑप्शन सामने कमजोर टीम, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो विजय कुमार के साथ आप कैप्टन जा सकते हो, हालांकि थोड़ा रिस्की लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सेफर ऑप्शन है। फिलहाल के लिए एज ए कैप्टन मैं मयंक अग्रवाल के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन ए मलिक के साथ जाइए, या फिर अपनी टीम में किसी को भी ट्राई कर सकते अपने हिसाब से। खैर अगर अंकुर मलिक है तो ठीक है, अंकुर मलिक के साथ जाते हैं। देखो मेरा पास अब कुछ बोलेंगे कि भाई यहाँ पे चाहो ना तो पी तमंग की जगह पे पी तमंग को ड्रॉप करके ट्राई कर सकते हो टीम में, किसको, ये सफतुल्ला को ट्राई कर सकते हो। देखो सफतुल्ला पी तमंग ये फ़र्क है, पी तमंग आपको बैटिंग भी करके देगा और सफतुल्ला सिर्फ आपको बॉलिंग करके देगा, तो सफतुल्ला के साथ अगर आपको जाना है, सफतुल्ला का नाम भी है क्या, लेकिन रुको तो सफतुल्ला ही लेते हैं, हाँ टैर मैं भी रिस्क नहीं लेता वीडियो टीम, ठीक है अब ठीक है टीम, अब लोगों को टीम परफेक्ट नज़र आ रहा होगा, मैंने इन सिक्किम का कैप्टन को ड्रॉप कर दिया और एम सफतुल्ला के साथ किया हूँ, अब टीम परफेक्ट है, हाँ अब लोग बोल रहे हैं हाँ परफेक्ट होएंगे, देखो नहीं तो मैं भी वही चेंज किया हूँ जो आप चाहते थे, सफतुल्ला को पिक करने के बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है भाई, 88%, तो इस हर एक टीम में आपको मिल ही जाएगा, हालांकि रिस्क आपको लेना पी तमंग को पड़ेगा, मैं बहुत मैचेस इनको खुद कैप्टन किया भाई, अच्छा प्लेयर है पी तमंग, कैप्टन ए मलिक वैसे अंकुर मलिक या फिर चाहो तो सी पी श्रीवास को देगा, हालांकि मैं पर्सन बता रहा हूँ अगर मैं कैप्टन करूँगा तो पक्का फ्लॉप जाएगा भाई, बताना जो उसको कितने लोग कैप्टन कर रहे हो, हालांकि मुझे तो सबसे बेस्ट कैप्टन श्रेयस गोपाल, विजय कुमार, विद्याधर पाटिल,
एम वांगेडे, इन सबको तब ट्राई करना जब कर्नाटका पहले बॉलिंग करे। ध्यान रखिए टिप्स दे रहा हूँ, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो मयंक अग्रवाल, अभिनव नवार, केएल श्रीजीत, इन सबको ट्राई कीजिए। बट अंकुर मलिक इसलिए मिडल ओवर मिल रहा है, प्लस बॉलिंग भी मिल रहा है 4 ओवर। ठीक है, ओवरऑल टीम बन चुकी है स्मॉल लीग की, जिस टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर सकते हो। बस एक ही ट्रम्प कार्ड प्लेयर यूज़ करो, विद्याधर पाटिल, और कोई नहीं। ये टीम परफेक्ट है, सेम डे कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम डे इनर्स कर जा सकते हो। आफ्टर टॉस मिलता हूँ टेलीग्राम पे, मैं अपडेट कर दूंगा, तो टेंशन ना लो। ठीक है, अपडेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, स्क्रीन शॉट ले लो। टीम एकदम परफेक्ट मैंने क्रिएट किया हूँ। देखो अब मनीष पांडे का नाम ही ले, अभी प्रोवेल ने खेलेगा तो देखा जाएगा। टीम पहले बैठेगी तो या मनीष पांडे वगैरह को पिक करो अगर खेलेंगे तो, अदरवाइज टीम एकदम न्यूट्रली क्रिएट किया, एकदम सेफर टीम, एकदम मतलब कोई कह नहीं सकता इस टीम के साथ लॉस होगा, एकदम लग रहा है कि हाँ इस टीम के साथ विन कर सकते हैं एक्चुअल में। और टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, फाइनल टीम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं सबसे पहले, तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और चाहे सब्सक्राइब